राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से बच्चों को न्यूमोनिया के बुखार से बचाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत राजपिपला समेत वहां की 5 तहसीलों में भी पीसीवी वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से कई अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई है। दरअसल सभी बच्चों को न्यूमोनिया के बुखार से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके भागस्वरूप नर्मदा जिले के नादौद तहसील के बागेथा सब सेंटर से नर्मदा जिला पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख की अगुवाई में इस वैक्सीन को देने की शुरुआत करवाई गई है। राजपिपला शहर के आंगनवाड़ी केंद्र समेत जिले में 5 तहसीलों में से पीसीवी वैक्सीन देने की शुरुआत करवा दी गई है, जिसके तहत राजपिपला के कई बच्चों ने अब तक इस वैक्सीन का डोज ले लिया है। इस मौके पर कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे। पीवीसी वैक्सीन विषय के आज बाड़कों से 1-1.5 महीना अंदर आ रसी ले दरक माता पिता आ रसी लेवड़े अमरी आरोग्य बहनों से एमने पर हूँ कहूँ छू कि गामे गाम प्रचार करे ने जागृति लावे अने आ वैक्सीन थी उधरस फेफसानी तवनी वगैरह मदद करे आती बाड़क सुरक्षित रहे। आज रोज माननीय सीएम साहेब हस्ते छोटाउदेपुर जिल्ला में पीसीवी वैक्सीन लॉन्चिंग थी है। त्यारबाद नर्मदा जिल्ला अँ वगेता सब सेंटर खाते माननीय उपप्रमुख श्री ने किरण भाई वसावा साहेब हाजरी में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्चिंग राखेलू है। अत्यारे 2 लाभार्थी ने वैक्सीन आपी दे। आज वैक्सीन है पीसीवी टूका नाम थी ओळखाय छे, जे न्यूमोनियासना रोग सामे रक्षण आपे छे। खास करीने बाळकों में जे भारत में 16% जेटलू प्रमाण न्यूमोनियानुं होय छे, जेथी करीने एमां मोर्टालिटी पण छे अने बीमारी मोर्टालिटी पण थाय छे अने मोर्बिडिटी पण थाय छे। तो आ न्यूमोनियाना रोग सामे रक्षण आपे छे, जे फेफसानी बीमारी होय छे जेना कारणे बाळकनो विकास नोंधाई जाय छे अने बाळकनुं जे डेवलपमेंट थवुं जोईए ए डेवलपमेंट थतुं नथी अने एना कारणे जे એ કોગ્નેટિવ ડેવલપમેન્ટના સ્તરમાં આગળ નહીં આવે તો બાળકને વિકાસમાં તકલીફ પડે, સાથે સાથે આના જે બેક્ટેરિયા છે એનાથી મગજનો પણ તાવ આવે છે, તો એના સામે પણ રક્ષણ આવે છે। આમાં જે 3 પ્રકારની વેક્સિનનું મિક્સણ છે તો એના કારણે મલ્ટિપલ જે કંઈક બીમારી થતી હોય ન્યુમોનિયાની, તો એના સામે બાળકને સારામાં સારું રક્ષણ મળશે, જેથી કરીને જે ગ્રામના જે બાળકો છે એ આ જે શ્વાસ ફેફસાની બીમારી છે એનાથી ઓછા બીમાર પડશે, એના થકી વિકાસ પણ સારો થશે બાળકનો, બાળકની સ્કૂલોમાં પણ હાજરી વધશે ને જેમ જેમ કવર થતા જશે બાળકો તેમ તેમ આની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધતી જશે। લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે વેક્સિન લેવા માટે આવે પોતાના બાળકને, અને આ વેક્સિન થોડી મોંઘી છે અને જે સરકાર વિનામૂલ્ય આપી રહી છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।